संगम के किनारे रेती पर एक माह के लिए प्रयागराज में लोग कल्पवास करने आते हैं। इस दौरान वह भौतिक सुख व भौतिक दुनिया का त्याग कर माँ गंगा की गोद में रहकर दिन भर भक्तिमय होकर भक्ति साधना करते हैं। इनका नित्य का रूटीन बन जाता है कि वह सुबह उठ के गंगा स्नान करेंगे, कल्पवास के टेंट में खाना खाएंगे और जैसे ही दोपहर में कथा शुरू होता है, कथा का आनंद लेने या लोग तमाम मंडल मंडप में जाने लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक माह के लिए छोटी सी खेती भी करते हैं जिसमें जौ बोते हैं कि अरे बच्चे की शादी हो जाए, सबको आराम से सब घर रहने लगे तो हम पचल कल्पवास करें एक महीना दो महीना जो होगा। कब से कल्पवास कर रही हैं अम्मा? नौ साल हो गया। कल्पवास करना आपने क्यों शुरू किया? अरे हो गया, जैसे घर के जंजाल छूट जाता है, आते हैं भगवान का नाम लेते हैं, इसीलिए मैंने कल्पवास करता, भक्ति आती है यहाँ रहने से। क्या कल्पवास लेके आपको आपकी कोई मान्यताएं थी? नहीं, मान्यताएं नहीं थी हमारी। कहाँ से आप कल्पवास करने आए हैं? मैं मऊ मंजिला हनुमना गांव है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। कब से कल्पवास कर रहे हैं आप लोग? ये लगभग 9 साल हो गया। क्या आप क्या अनुभव करते हैं कल्पवास करके? मैं यहाँ बहुत सुख शांति अनुभव करता हूँ और भौतिकवादी जो हैं विचारधाराएं उनसे थोड़ा दूर हट के यहाँ कुछ सुख शांति मिलती है। और कुछ बोलना चाहेंगे कल्पवास के बारे में? कल्पवास एक बहुत अच्छी है हमारे धर्म में, जो एक महीने तक मनुष्य को अपने जीवन के लिए सुख शांति लाता है। माँ गंगा का स्नान करते हैं एक महीने तक और अपने देश अपने गांव अपने बाल बच्चों परिवार के लिए सुख मंगलमय कामना करते हैं यहाँ पर आकर के।